हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रो मैग्नो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ एक सर्किट जिसमें कि आपको मोटर्स को सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है। तो आपके पास अगर नंबर ऑफ़ मोटर्स हैं तो नंबर ऑफ़ मोटर्स को आपने सीक्वेंस में कंट्रोल करना है और ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है। सपोज आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना है। जैसे आपने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर लिया तो आपकी मोटर्स वन स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरह से आपने उस मोटर के लिए, उस मोटर के ऑपरेशन के लिए आपने कुछ टाइम सेट किया होगा, तो उस टाइम के लिए वो ऑपरेट होगी। और उस टाइम के कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, वो मोटर बंद हो जाएगी और सेकंड मोटर क्या है, ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। और वो सेकंड मोटर भी अपने स्पेसिफाइड टाइम के लिए, जो उसमें टाइम सेट किया है, उस टाइम के लिए ऑपरेट होगी और उसके बाद वो बंद हो जाएगी और थर्ड मोटर है वो चालू हो जाएगी। इस तरह से फिर ये ऑपरेशन सीक्वेंस में चलता रहेगा और ये लूप में चलता रहेगा। लास्ट मोटर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेगी, तो फिर अगेन फर्स्ट मोटर चालू हो जाएगी। तो ये लूप में चलेगा। तो इसको कंट्रोल करें, इस सर्किट को बनाने के लिए हमारे पास जो सर्किट है ये मैंने फॉलो किया है। जैसे कि मैं इस सर्किट में क्या किया है, मैंने तीन मोटर्स ली हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप तीन मोटर्स के लिए सर्किट को डिज़ाइन करें। तो जो ये सर्किट है ना, ये आप नंबर ऑफ मोटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर दो मोटर हैं, तीन मोटर हैं, चार हैं, तो आप किसी दो मोटर के लिए भी ये सर्किट वैलिड है। ये किसी भी सर्किट के लिए, किसी भी नंबर ऑफ मोटर्स को आप इस सर्किट्स के थ्रू रन कर सकते हैं सीक्वेंस में और ऑटोमेटिकली। वैसे जो ऑटोमेटिकली, अगर आपको सीक्वेंस में, अगर ऑटोमेटिकली सीक्वेंशियल सर्किट में क्या है, अगर आपको ये कंट्रोल मोटर्स को कंट्रोल करना है, तो आप कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट से भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट से करने के लिए आपको यूज करने पड़ेंगे टाइमर्स, यूज करने पड़ेंगे। अगर आप टाइमर्स यूज करते हैं तो ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। जो आपको ये सर्किट दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही छोटा सर्किट है। ये छोटा इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें क्या है, PLC यूज किया है। PLC के यूज करने के कारण जो है टाइमर्स रिप्लेस हो गए हैं किससे, PLC से। PLC में हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, उस प्रोग्रामिंग से हम टाइमर्स को जनरेट करेंगे। उसी टाइमर में जो हमने टाइमर जनरेट किया है प्रोग्रामिंग से, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग जो हम यूज करेंगे इसमें, उसी प्रोग्रामिंग से हम टाइमर को जनरेट करेंगे। उस टाइमर में हम क्या करेंगे, टाइम को सेट करेंगे। अलग अलग मोटर के लिए हम उनके ऑपरेशन के लिए इतना टाइम सेट करेंगे और उसी प्रोग्रामिंग से क्या होगा कि वो सीक्वेंस में ये ऑपरेट होंगी और ऑटोमेटिकली ऑपरेट होंगी। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना है, उसके बाद ये सारा ऑपरेशन जो ऑटोमेटिकली होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने दो अलग अलग सर्किट दिए हैं, आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। तो जैसे कि मैंने इसमें क्या लिया है, ये बस बार है। जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ, ये RYV तीन फेस लिए हमने, और ये न्यूट्रल लिया है, ये MPCB लिया है MPCB को, और ये कॉन्टैक्टर लिया है, और ये मोटर वन है, और ये ओवरलोड रिले इसके लिए। उसी तरह से कॉन्टैक्टर टू है और ओवरलोड रिले टू है, और ये मोटर टू है। उसी तरह कॉन्टैक्टर थ्री है, ओवरलोड रिले थ्री है, और ये क्या है, मोटर थ्री है। तो ये मोटर के लिए था। ये पावर सर्किट है, जैसे कि मैंने MPCV से जो पावर निकली है, ठीक है ना, थ्री फेस जो निकले हैं, वही थ्री फेस इन तीनों में जा रहे हैं, तीनों कॉन्टैक्टर में। यहाँ भी जा रहे हैं थ्री फेस, वही थ्री फेस यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं, वही यहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो इसके लिए थ्री फेस जा रहे हैं वो पूरी प्रोटेक्शन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आगे प्रोटेक्शन लगी है, MPCB लगा हुआ है। MPCB क्या है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो, उस केस में हमें क्या देगा, ये प्रोटेक्शन देगा। हालांकि मैंने इसमें ओवरलोड रिले भी यूज किया है। ओवरलोड रिले क्या है, ये ओवरलोड के केस में हमें प्रोटेक्शन देती है। ये हमारी बैकअप प्रोटेक्शन है, जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो है MPCB है। अगर मान लो MPCB हमारा ऑपरेट नहीं होता, इसमें ये ऑपरेट, इसके ऑपरेट ना होने के कारण, तो क्या है, जो बैकअप प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट हो जाएगी और सर्किट हमारा सेफ रहेगा अगर ओवरलोड हो जाए। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हमें ओवरलोड रिले नहीं दे पाएगी, वो हमें MPCV ही दे पाएगा। वैसे हम इस पहले हम क्या करते थे, MPCV जब नहीं था तो हम फ्यूज यूज़ करते थे। अब फ्यूज को रिप्लेस कर दिया है MPCV से, क्योंकि फ्यूज में प्रॉब्लम रहती है, उसको बार बार क्या है रिप्लेस करना पड़ता था उस, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसको अगर ये ट्रिप हो जाए तो उसको सिर्फ रिसेट करना होता है। तो जैसे कि ये कॉन्टैक्टर लिए मैंने, और जो इन कॉन्टैक्टर की खास बात ये है कि इन कॉन्टैक्टर को मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो कॉयल है वो DC से एनर्जाइज किए हैं। तो ऐसे कॉन्टैक्टर होते हैं, कॉन्टैक्टर जो होते हैं वो उनको AC से भी एनर्जाइज कर सकते हैं और DC से भी एनर्जाइज कर सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्टर मैंने DC वाले लिए हैं। तो मतलब कि जो ये पावर है, ये तो AC की
फेस यहाँ से जाएंगे ना, जो इनके कॉन्टैक्ट है पावर कॉन्टैक्ट से, वो एसी के लिए डिज़ाइन है, लेकिन जो कॉयल है वो डीसी के लिए डिज़ाइन है कि वो डीसी, जैसे मैं इसको 24 वोल्ट डीसी दूंगा तो ये एनर्जाइज हो जाएगी ये कॉयल, ठीक है। उसी तरह से मैंने तीनों कॉन्टैक्टर में ऐसा किया हुआ है कि ये क्या है डीसी से एनर्जाइज होंगे, और ये क्या है पीएलसी यूज के, पीएलसी का कार्ड वन, ये कार्ड क्या है इनपुट कार्ड है, पीएलसी का इनपुट कार्ड है, ये आउटपुट कार्ड है, और ये एसएमपीएस है, क्योंकि जो पीएलसी है वो भी एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट करता है, तो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा पीएलसी लिया है और वो कौन सा पीएलसी किस एसी पे काम करेगा, वो उसकी रेटिंग पे लगे, वो आप उसकी नेम प्लेट में देख सकते हैं कि वो एसी के लिए ऑपरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या डीसी में ही ऑपरेट होगा। तो अगर मान लो वो डीसी के लिए डिज़ाइन है, वो पीएलसी अगर डीसी के लिए डिज़ाइन है, तो हम क्या करेंगे एसएमपीएस यूज करेंगे। एसएमपीएस क्या कर लेगा, जो यहाँ से क्या आ रही है सिंगल फेस जो सप्लाई आ रही है यहाँ से, ठीक है, हमने एक फेस उठाया, बी फेस उठाया और एक न्यूट्रल लिया, न्यूट्रल फेस जो यहाँ पे गया है एसएमपीएस को, इसने इसको कन्वर्ट किया किस में, डीसी में, हमें 24 वोल्ट डीसी हमें दे रहा है आउटपुट में, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर भी होता है जिसको स्टेप डाउन करता है पहले और फिर इसको रेक्टिफाई कर, जो हमें आउटपुट मिलती है वो डीसी में मिलती है, रेक्टिफाइड आउटपुट मिलती है, और ये रेगुलेटेड डीसी होती है, प्योर डीसी होती है, इस केस में कोई रिफल्स नहीं होती। और ये तो फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे काम कर रहा है। जैसे कि मैंने एमपीसीबी को प्रेस कर दिया, ठीक है, एमपीसीबी प्रेस कर लिया तो पावर इन तीनों कॉन्टैक्ट में क्या है, यहाँ फेस आ गए, इन तीनों कॉन्टैक्ट में फेस आ गए, इसमें इसमें तो आर वाई वी तीनों फेस यहाँ आ गए, और यहाँ पे भी आर वाई वी तीनों फेस आ गए, यहाँ पे भी आर वाई वी तीनों फेस आ गए, लेकिन कोई भी मोटर इस टाइम ऑपरेट नहीं है। जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँगा, ये वाला स्टार्ट पुश बटन मैं प्रेस करूँगा, या फिर जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो क्या है, इसको इनपुट मिल जाएगी, कार्ड जो कार्ड है ना, कार्ड में इनपुट है, या फिर X0, X1, X2 इस तरह से X7 तक 8 इनपुट लिए हैं मैंने, लेकिन मैंने यूज तो एक ही करनी है, जो मैंने जो पीएलसी लिया है ये डेल्टा के लिया है, तो इसमें क्या है इस तरह से इनपुट दी होती है, ये आउटपुट हैं Y0 से Y7 तक 8 आउटपुट है इसमें, तो जो डेल्टा का पीएलसी हो या सीमेंस का हो या एलन ब्रेडले का हो, जो हम लैडर लैंग्वेज यूज़ करेंगे ना प्रोग्रामिंग के लिए, वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये होगा कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो उनकी जो कमांड होगी उनमें थोड़ा डिफरेंस होगा और इसकी कमांड में थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन जो लैडर लॉजिक जो प्रोग्रामिंग होगी, जो सर्किट होगा लैडर लॉजिक का जो सर्किट होगा, वो सेम ही रहेगा सभी पीएलसी के लिए, वो जिस मर्जी का पीएलसी हो। तो मैं यहाँ पे डेल्टा का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे ही मैंने इसको पुश किया, मतलब इसको स्विच को ऑन किया, तो इसको इनपुट मिल जाएगी। मैंने इस सर्किट को इस तरह से प्रोग्राम करना है कि जैसे मैं इसको पुश करूं तो जितना मैंने टाइम, तो ये क्या है जो यहाँ पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ वो यहाँ से निकलेगी, इस Y0 से बाहर निकलेंगी, जैसे कि मैं जो 24 वोल्ट यहाँ से जो नेगेटिव है वो नेगेटिव मैंने सिंक सोर्स को भी दिया है, ठीक है ना, और वही नेगेटिव मैंने क्या किया है कॉमन को भी दिया है, इस कॉमन को भी दिया है, और जो यहाँ पे दिया है इनपुट में X0 वो इसकी अपोजिट दी है। जैसे यहाँ पे मैंने अगर 0 वोल्ट दिया है, 0 वोल्ट मतलब नेगेटिव दिया है, और प्लस मतलब 24 वोल्ट, जो 24 वोल्ट यहाँ से मैंने क्या किया है ये यहाँ जा रहा है, जैसे मैं इसको पुश करूँगा ना, तो X0 में 24 वोल्ट जाएगा और सिंक सोर्स में पहले से 0 वोल्ट है, तो यह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और जो अंदर हमने प्रोग्राम बनाया होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या है जो कॉमन में हमने दिया है 0 वोल्ट, वही 0 वोल्ट घूम के Y0 से बाहर निकल जाएगा, और वो क्या कहाँ मिल जाएगा, वो यहाँ से ओके इसको मिल जाएगा, ठीक है ना, वो इसको मिल जाएगा, और जो ठीक है वो इसको मिल जाएगा, और साथ में जो ये वाला है ये यहाँ से मिल रहा है इसको, ये यहाँ से इसको 24 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, 0 वोल्ट यहाँ से मिला और 24 वोल्ट इसको कंटिन्यू यहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो गया, और ये क्या है कॉयल एनर्जाइज हो जाएगी डीसी के केस में, अगर हमारे पास डीसी की कॉयल है तो ये एनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है ना, ये एनर्जाइज होगा, ये पुश करेगा अपनी ओर इसको, और क्या हो जाएगा फिर, तो ये पुश होगा और ये होल्ड हो जाएंगे, उस टाइम ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ये होल्ड हो जाएंगे और इसको पावर मिल जाएगी और ये रन हो जाएगी। मान लो हमने जो प्रोग्राम में सेट किया है कि ये हाफ एन आवर के लिए 30 मिनट के लिए क्या करेगी ऑपरेट होगी, और 30 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगी, जैसे ये बंद होगी तो जो आउटपुट यहाँ से जो निकलती है 0 वोल्ट वो कहाँ से निकलेगा, Y1 से निकलेगा,
वो वाई वन से निकलेगा और वो कहाँ मिल जाएगा, वो इसकी जो कॉन्टैक्टर टू है इसकी कॉइल में मिल जाएगा 0 वोल्ट, और 24 वोल्ट इसको डायरेक्ट यहाँ से मिल ही रहा है, ठीक है ना, यहाँ से मिल रहा है, ये 24 वोल्ट मिल रहा है इसको, प्लस, प्लस का मतलब 24 वोल्ट, माइनस का मतलब 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये भी होल्ड हो गया, तो ये जब ये होल्ड हो गया तो ये इसको मिल गई सप्लाई, और उस केस में ये क्या है, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ से अब ये वाली जो मिल रहा है 0 वोल्ट नहीं मिल रहा है, इसको सिर्फ 24 वोल्ट मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, और ये डीएनर्जाइज हो गए, पीछे हट गए थे उस टाइम, ठीक है ना। जैसे ये बंद हो गया तो ये ऑपरेट होगी, ये चालू होगी, और उसी तरह से ये मोटर 3 भी ऑपरेट होगी, जब जब हमने जो टाइम इसके लिए सेट किया होगा मोटर 2 के लिए, ठीक है ना, मोटर 2 के लिए जो हमने टाइम सेट किया, मान लो इसके लिए हमने 40 मिनट सेट किए हैं, ये 40 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो आउटपुट यहाँ से जो 0 वोल्ट निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, वाई टू से निकलेगा, और इस तरह से, और मिल जाएगा किसको, कॉन्टैक्टर 3 की कॉइल को मिल जाएगा, और 24 वोल्ट इसको यहाँ से मिल ही रहा है, ठीक है ना, यहाँ से मिल रहा है, तो ये भी एनर्जाइज हो जाएगा, और उस केस में ये ऑपरेट हो जाएगी, और कितने टाइम के लिए ऑपरेट होगी वो डिपेंड करेगा जो इसमें टाइम सेट किया होगा। लेकिन कई कॉन्टैक्टर ऐसे होते हैं जो कि एसी से एनर्जाइज होंगे, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट निकल रही है वो डीसी की निकल रही है, तो डीसी से हम एनर्जाइज करें तो उसके लिए मैं अलग से एक सर्किट लिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास जो कॉन्टैक्टर हैं वो क्या एसी से आपने एनर्जाइज करनी है, जो उसकी कॉइल है वो एसी से एनर्जाइज होते हैं, वो डीसी से एनर्जाइज नहीं होते हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने रिले ले लेनी है, 3 रिले मैंने यहाँ पर ली है, ठीक है, 3 रिलेज मैंने यूज़ किए हैं, तो अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ से आउटपुट निकल रही है उससे हमने क्या करना है, रिले को एनर्जाइज करना है, और रिले जब एनर्जाइज हो जाएगी, जो रिले एनर्जाइज होगी उसके NO से, जो उसका NO है ना वो NC बन जाएगा उस टाइम, तो एन उसका NO जो NC में चेंज हुआ वहाँ से फेस मिल जाएगा, और फेस यहाँ मिल जाएगा कॉन्टैक्टर को, और न्यूट्रल इसको डायरेक्ट हमने दिया है ऊपर से, ठीक है ना, न्यूट्रल हमने इसको डायरेक्ट दिया है, तो उस केस में वो फेस और न्यूट्रल और फेस से वो क्या हो जाएगा, एनर्जाइज होगा, और ऑपरेशन बिल्कुल सेम रहेगा जो मैंने पहले वाले सर्किट में बताया है, वही ऑपरेशन रहेगा। तो मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे काम करेगा, जैसे सपोज जैसे 0 वोल्ट मैंने जो यहाँ पे 24 वोल्ट मैंने सिंक सोर्स में दिया है, वही 24 वोल्ट मैंने कॉमन में भी दिया है, ठीक है। जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसी टाइम वाई ज़ीरो से क्या है 24 वोल्ट निकलना चाहिए, जो 24 वोल्ट मैंने यहाँ दिया वही घूम के यहाँ से निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा, और वो कहाँ मिल जाएगा, वो रिले 1 में मिल जाएगा, रिले 1 की कॉइल में, और 0 वोल्ट जो है ना वो 0 वोल्ट इसको कंटिन्यू यहाँ से मिल रहा है इस रिले को, जब इसको 0 वोल्ट मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगी इसकी कॉइल भी, रिले की कॉइल, और ये होल्ड हो जाएगा, जब ये होल्ड हो जाएगा तो जो फेस इसको मिल रहा है ऊपर से, मैंने यहाँ से फेस उठाया, ठीक है ना, ये फेस जो यहाँ से आ रहा है, यही फेस यहाँ से घूम के कहाँ जा रहा है, सॉरी यहाँ से नहीं, ये यहाँ से जा रहा है, ये फेस इसको मिल रहा है ओवरलोड रिले से होके, ये इसको कॉन्टैक्टर को मिल रहा है, और न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल रहा है डायरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, ये होल्ड हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, और उस केस में अगर कोई ओवरलोड नहीं है तो ये भी पास कर लेगा, और मोटर 1 की ऑपरेट हो जाएगी। जैसे इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ से आउटपुट निकलना, कार्ड से जो आउटपुट निकली है, ठीक है ना, यहाँ से वो यहाँ से निकलेगी, अब वो Y1 से निकलेगी, जैसे मोटर 1 का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उस तरह से ये रिले एक्टिवेट हो जाएगी, तो और ये फेस यहाँ से जाएगा, और ये कॉन्टैक्टर के थ्रू यहाँ पहुँच जाएगा, और ये भी होल्ड हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है, ये होल्ड हो जाएगा, और ये मोटर 2 उस टाइम चल पड़ेगी, और इस तरह से जब इसका टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा तो उस केस में फिर जो यहाँ से 24 वोल्ट निकल रहा है वो Y2 से निकलेगा, और Y2 से ही ये रिले 3 एनर्जाइज होगी, क्योंकि 0 वोल्ट यहाँ से आ रहा है और 24 वोल्ट ऊपर से आ रहा है, ये होल्ड हो जाएगा, और जो फेस है वो यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से इसको मिलेगा, ठीक है, ओवरलोड रिले से कॉन्टैक्टर की कॉइल में, कॉन्टैक्टर सी की कॉइल में, और ये न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा, और ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है, ये होल्ड हो जाएगा, और ये मोटर 3 उस टाइम चल पड़ेगी, और जितना टाइम हमने सेट किया होगा उस टाइम तक ये चल पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद क्या, मैं आपको प्रोग्राम बता देता हूँ कि प्रोग्राम जो इसमें रहेगा वो कैसे करेगा काम, कि सारा काम जो है प्रोग्राम पे है, कि उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही जो आउटपुट यहाँ से निकलेगी Y0, Y1 और Y2 से जो आउटपुट निकलेगी कब निकलेगी और कितने टाइम के लिए निकलेगी, कंटिन्यू निकलेगी, तो वो डिपेंड करेगा प्रोग्राम पे, उसमें हमने टाइमर को जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं अब सिर्फ प्रोग्राम पे आता हूँ, ये सर्किट था, आप इन दो सर्किट में से किसी भी एक सर्किट को चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगर आपके पास कॉन्टैक्टर
जो है डीसी में ऑपरेट होता है, तो आप पहले वाला सर्किट चूज कीजिएगा। अगर आपके पास जो कॉन्टैक्टर है वो एसी में ये एनर्जाइज होता है तो आप सेकेंड वाला सर्किट को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने रिले यूज़ किए हैं। तो हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। अब ये डेल्टा का पीएलसी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहले एक स्टार्ट बटन लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको सर्किट में बताया था F0। ठीक है, इसके लिए स्टार्ट, और उसके बाद हमें जो कॉन्टैक्टर लेना पड़ेगा, कॉन्टैक्टर। ठीक है, हमने क्या करना है, कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करना है ना। जो कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा तो मोटर भी चल पड़ेगी फिर। तो हमने क्या करना है, जो प्रोग्राम से क्या है, कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करना है। तो ये है कॉन्टैक्टर वन, कॉन्टैक्टर वन है, और साथ में हमने क्या कर दिया, इसी के साथ जैसे कॉन्टैक्टर वन ऑपरेट हो जाएगा ना, उसी जैसे कॉन्टैक्टर वन क्या है एनर्जाइज हो जाएगा, उसी टाइम हमारा क्या है टाइमर वन T0 ऑपरेट होना चाहिए। और टाइमर में हमने सेट टाइम, जो मैं यहाँ पे जो टाइमर ले रहा हूँ उसके लिए मैं टाइम सेट कर रहा हूँ 10 सेकेंड। मैंने क्या करना है, तीनों मोटर्स हैं वो 10 10 सेकेंड के लिए मैंने ऑपरेट करनी है। तो जो इस प्रोग्राम में क्या करना पड़ता है, अगर मैं 10 सेकेंड जितने मुझे सेकेंड चाहिए ना, उसमें मेरे को एक एक्स्ट्रा जीरो लेना पड़ेगा। जैसे मेरे को 10 सेकेंड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 10 के बाद एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि हर सेकेंड को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो 10 सेकेंड है हमारे पास, उसको 10 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो वो 100 हो जाएंगे। तो 100 तक हमें इसमें, तो 100 मैंने यहाँ पे किया है। ये कमांड रहेगी टाइमर के लिए, TMR T0K 100। तो ये टाइमर आ गया, ठीक है ना। तो जैसे ही टाइमर आ गया, अब टाइमर इसके साथ ऑपरेट होने लगा, जैसे इसका मान लो 10 सेकेंड कंप्लीट हो गए, 10 सेकेंड के लिए मैंने कॉन्टैक्टर वन को ऑपरेट करना है, 10 सेकेंड भी कंप्लीट हो गए, इसने काउंट कर लिया, तो उसी टाइम क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए LDI T0। इसका मैंने NC कॉन्टैक्ट लिया स्टार्टिंग में, तो ये पास करेगा। जैसे ये एनर्जाइज हो जाएगा, टाइमर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा 10 सेकंड के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, NC जो है ना ये NO बन जाएगा, और उस केस में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक कॉन्टैक्टर वन के डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही अब टाइमर वन एक्टिवेट हुआ, तो LD T0 मैंने इसका NO लिया है ना, उस NO से मैंने क्या किया दिया, उस NO से मैंने क्या किया, कॉन्टैक्टर टू को आउट Y0 Y1। ठीक है, ऊपर मैंने Y0 लिया था, Y1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्टर टू, तो कॉन्टैक्टर टू से एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे ही टाइमर का टाइम 10 सेकंड हो जाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो NO है ना ये NC हो जाएगा उस केस में, और जो NC है NO हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये डिसकनेक्ट हो जाएगा उस केस में। ठीक है, और जैसे ही कॉन्टैक्टर टू क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, तो उसी केस में क्या होना चाहिए, हमारे पास दूसरा टाइमर हमने लेना है, वो भी साथ में क्या होना चाहिए, एनर्जाइज, उसी टाइम एनर्जाइज होना चाहिए। तो TMR T1K 100 दस सेकेंड के लिए लेना है हमने। तो जैसे ही टाइमर ने 10 सेकेंड काउंट कर लिए, तो अब ये कॉन्टैक्टर क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। उस केस में क्या होना चाहिए, ये कॉन्टैक्टर बंद होना चाहिए। तो इसका T1 जो टाइमर है उसका हमने क्या लिया, NC कॉन्टैक्ट लिया। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो पास करेगा, जैसे 10 सेकेंड हो गए तो ये क्या हो जाएगा, जो NC है ना ये NO हो जाएगा, और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और उसी टाइम जो T1 टाइमर है उसका जो NO होगा LD T1, वो NC हो जाएगा। ये NO लिया ना मैंने, वो NC हो जाएगा जब ये एनर्जाइज हो जाएगा। तो NC हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, जो कॉन्टैक्टर 3 है, कॉन्टैक्टर 3 है, वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा उस केस में। कॉन्टैक्टर 3 वो चालू हो जाएगा। जैसे वो हो जाएगा तो साथ में हमने एक टाइमर लेना तीसरा, वो भी चालू हो। ठीक है, TMR T2K 100 तो हो जाएगा। लेकिन जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे वो बंद होना चाहिए, LDI T2 ये बंद होना चाहिए। ठीक है ना, अब जैसे
टी टू मतलब कि जो तीसरा टाइमर है ये भी क्या हो गया, तीसरा क्यों है क्योंकि टी जीरो से स्टार्ट हुआ था ना, टी जीरो टी वन टी टू, तो टी टू वाला तीसरा टाइमर है। जब टी टू टाइमर भी एनर्जाइज हो जाएगा तो कॉन्टैक्टर थ्री क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। मतलब कि कॉन्टैक्टर थ्री के बंद होने का मतलब तीसरी मोटर भी बंद होगी। जब कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तभी तो मोटर चलेगी ना, तो मैंने कॉन्टैक्टर को होल्ड करना है, करवाना है, तभी मोटर आगे फिर चालू होगी। प्रोग्राम का यही पर्पस है, हमने क्या किया कॉन्टैक्टर को कब होल्ड करना है, कब नहीं करना है, कितने टाइम के लिए करना है, तो वो है, वो टाइम पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो जैसे ही ये टाइमर टी टू, टाइमर टी टू क्या हो गया एनर्जाइज हो गया, जैसे टाइमर टी टू एनर्जाइज हो गया तो इसका जो एनओ होगा ना एल डी टी टू वो एन सी हो जाएगा। जैसे वो एन सी हो गया तो हमने क्या करना है, प्रोग्राम को रीसेट कर देना है, रीसेट, ठीक है, रीसेट टी जीरो, रीसेट कर दिया टी जीरो को, क्या कर दिया हमने रीसेट कर दिया। तो ठीक है, अब हमने इस प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल करना है। अब देखेंगे कि काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये कंपाइल हो चुका है। अब हमने सिमुलेटर से इसको चेक भी करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको अब चेक करने से पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो प्रोग्राम बनाया है पीएलसी में डाउनलोड करना पड़ेगा। अब डाउनलोड हो चुका है, अब इसको रन मोड में डालना पड़ेगा, रन मोड में हो गया है। अब इसको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, अब ऑनलाइन हम जा चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। अब आप ये ध्यान में रखिए, ये कॉन्टैक्टर वन है, एक कॉन्टैक्टर टू है, एक कॉन्टैक्टर थ्री है। तो हमारा ये प्रोग्राम क्या है, 10 सेकंड के लिए चलना चाहिए, और 10 सेकंड के बाद क्या है कॉन्टैक्टर वन क्या हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए और ये चालू होना चाहिए, और उसके 10 मिनट के बाद ये भी बंद होना चाहिए और कॉन्टैक्टर थ्री चालू होना चाहिए, और फिर अगेन 10 सेकंड के बाद ये चालू होना चाहिए, फिर ये इस सिक्वेंस चलता रहना चाहिए, ये ऑटो में होना चाहिए। तो अब इसको हम चेक करते हैं, जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को क्या करता हूँ प्रेस करूँगा तो ये प्रोग्राम एक्टिवेट होना चाहिए उसी टाइम। ठीक है ना, ये स्टार्ट पुश बटन जो है ये फील्ड में लगाओ, जो मैंने आपको बताया था सर्किट में वही स्टार्ट पुश बटन है ये। ठीक है, जैसे मैं इसको ऑन कर दिया तो ये चालू हो गया, साथ में काउंटिंग भी चालू होगी यहाँ पे। ठीक है, ये 100 तक काउंट करेगा, मतलब 10 सेकंड, 1 सेकंड को 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये 100 हो गए, और देखो कॉन्टैक्टर टू भी क्या हो गया चालू हो गया, और साथ में टाइमर टू भी क्या हो गया एक्टिवेट हो गया, और उसने काउंट करना भी शुरू कर दिया। और कॉन्टैक्टर टू काउंट कर लिया इसने, 10 तक काउंट कर लिया, और कॉन्टैक्टर थ्री चल पड़ा। ठीक है, कॉन्टैक्टर टू क्या हो गया बंद हो गया, और इसने भी काउंट करना शुरू किया, और अभी ये 7, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड जैसे हुए तो कॉन्टैक्टर वन एक्टिवेट हो गया। ठीक है ना, उसके बाद कॉन्टैक्टर टू, कॉन्टैक्टर थ्री, इस तरह से चलेंगे। जो कॉन्टैक्टर जितने टाइम के लिए होल्ड रहेगा, मैंने तो यहाँ पे जो टाइम लिया ना वो 10 सेकंड लिया है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, मान लो आपको 1 घंटे के लिए ऑपरेट करना है एक मोटर को, तो 1 घंटा यहाँ डाल दीजिए, तो 1 घंटे तक जो टाइमर है वो काउंट करता रहेगा। जब उसका 1 घंटा नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, कॉन्टैक्टर ऑन ही रहेगा। जब तक कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा तब तक मोटर ऑन रहेगी। अब जैसे उसका 1 घंटा वो काउंट कर लेगा तो क्या होगा, 1 आवर्स काउंट करने के बाद वो क्या कर देगा, उसका कॉन्टैक्टर को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, और सेकंड कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। सेकंड कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, फिर उसके लिए भी टाइम स्पेसिफाई किया आपने, जो सेट किया है उस टाइम तक वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, उसके बाद वो भी क्या करेगा, उस कॉन्टैक्टर को बंद करेगा, नेक्स्ट कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। कॉन्टैक्टर को ऑन करने का पर्पस वही है कि मोटर को ऑन करना। कॉन्टैक्टर ऑन हो गया तो वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, तो उससे जो फेस है वो पास हो जाएंगे, तीनों फेस पास हो जाएंगे और मोटर को मिल जाएंगे। जब मोटर को तीनों फेस मिल जाएंगे वो क्या हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके तो ये सर्किट था, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये सर्किट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सर्किट में एक नए सर्किट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।